वो टाइम पे जैसे 24 30 का हैंडल नहीं कर पाते थे लेकिन आर को एक तो मैं कभी अपने काउंटर से नहीं हटाती मैं ट्रेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस डिसिप्लिन को देती हूँ कैपिटल कितना चाहिए क्वेश्चन कैपिटल कितना यूज करना चाहिए जितना पैसा मेरे पास है उसमें से हाई ज्योति मैम पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ये बहुत डिलाइटफुल है हमारे लिए कि आप इधर आए हो अपसर्ज के हेड क्वार्टर्स पे स्पेशली फॉर दिस पॉडकास्ट कैसे नहीं आऊँगी आना तो पड़ेगा यही तो मेरी जगह है मेरा है, जिसको <laughs> वेकेशन पॉइंट है जिसका वेकेशन पॉइंट बोलते हैं ना तो <laughs> मेरा सैटरडेज और संडेज यही जाता है मैं यहाँ पे आप लोग के साथ आती हूँ हंसती हूँ खेलती हूँ दो तीन वीडियोज रिकॉर्ड करती हूँ चार पाँच भी कर लेती हूँ मजा आता है मुझे और मैम आप जब भी आते हो हंसी मजाक भी होता है और सीखने को भी मिल जाता है तो दैट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक थैंक यू सो मच सो मैम आईड लाइक टू स्टार्ट विथ योर बैकग्राउंड कि आप थर्ड जनरेशन हो आपकी फैमिली में जिसको स्टॉक मार्केट्स के बारे में इतना सारा नॉलेज है एंड यू हैव बिन इन द मार्केट्स फॉर सो लॉन्ग तो आपका बैकग्राउंड कैसे रहा है आपने कैसे स्टार्ट किया मार्केट में आना और आपने सीखा कैसे ये सब सी एक्चुअली इट इज अ वेरी फनी थिंग कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मैंने कैसे प्लान किया कैसे सोचा ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे ऐसा याद है कि सब फिज़िकल होता था बिल बनाना सर्टिफिकेट्स hmm. होते थे ट्रांसफ़र डीट फिलअप करना ये सब काम होता था एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरी राइटिंग अच्छी थी तो पापा मुझे काम ला देते थे घर पे कि भाई मैं हूँ मम्मी भी करती थी दादाजी भी करते थे सब लोग यही काम करते थे तो सब काम घर पे आता था ऑफिस से कि भाई ये शेयर्स ट्रांसफर करने हैं इतने सारे बिल्स बनाने हैं तो ये सब जो काम होता था और एज यू नो बच्चों को बोला जाए कि ये ऑफिस का काम है तू कर दे अरे उनकी तो जैसे लॉटरी निकल आती <laughs> है कि पढ़ाई से अलग कुछ हाँ। करने को मिल रहा है और फिर वट मारना भी पड़ता था कि फ्रेंड्स के आगे कि भाई मेरे पास ऑफिस का काम है खेलने का टाइम नहीं है दैट टाइम तो वो करते करते कब मैंने मार्केट में एंट्री कर ली पता ही नहीं चला ऐसा हुआ तो ऐसा कोई प्लान नहीं था ये कुछ भी हो गया तो मैम हमारा इक्विटी और ये जो सेगमेंट है वो उस टाइम से अभी लेकर कितना कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स एक बार आप टाइमलाइन के साथ बताएंगे एक्चुअली पूरा सिस्टम ही अलग हो गया ये इक्विटी एफ इंट्राडे ट्रेडिंग ये सब टर्मिनोलॉजीज हम लोग आज सीख रहे हैं वो टाइम पे क्या होता है जैसे जॉबिंग हो गई फर्स्ट पार्ट तो जॉबिंग में क्या होता था एक जॉबर होता था जो बाय सेल दोनों के कोट देता था ओके। तो किसी को भी खरीदना होता था उसके काउंटर पे आता था और बाय सेल बाय सेल ऐसे मतलब वो जो कोट देता था उसके हिसाब से अच्छा बाइंग या सेलिंग होती थी तो बाइंग और सेलिंग नाम होता था ट्रेडिंग नाम नहीं होता था तो जितने भी लोग आके खरीदते थे या बेचते थे वो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट या इंस्टीट्यूशन आते थे जो क्या होता था कि एक्चुअली सिस्टम क्या होता था एक ब्रोकर होता है ब्रोकर के पास बहुत सारे आज की तारीख में उसको सब ब्रोकर बोल दो लेकिन वो टाइम पे वो उनके एसोसिएट्स होते थे जिनको एक बैच दिया जाता था वो बैच के हिसाब से वो अंदर जाते थे रिंग में और उनके बिहाफ में क्लाइंट के बिहाफ में अप, अपने क्लाइंट के बिहाफ में बाइंग सेलिंग करते थे हुँ. सिंपल बाइंग सेलिंग दैट्स वॉज ऑल अब उसके बाद कुछ ऐसे ब्रोकर्स थे जो क्या करते थे कि यहाँ जैसे मुंबई में अगर कोई स्टॉक का रेट 415 है हुँ. और कैलकाटा में उसका भाव वो टाइम पे कैलकाटा ही बोलते हाँ. थे तो कैलकाटा में उसका भाव 425 है तो कितने रुपए का फर्क हुआ दस रुपए का चार सौ पंद्रह इधर चार सौ पच्चीस उधर तो वो लोग क्या करते थे यहाँ से चार सौ पंद्रह में खरीदते थे आ, वहां पे चार सौ पच्चीस में बेच देते थे वो टाइम उसको लाइन बिजनेस बोलते थे राइट और आज की तारीख में उसको आर्बिट्राज बोलते जॉबिंग जो है वो आज स्कैल्पिंग बन गई अच्छा और बाइंग सेलिंग जो थी वो बाइंग सेलिंग में वो इन्वेस्टमेंट टाइप में बाइंग सेलिंग होती थी ले लिया शेयर रख दिया कोई पांच साल दस साल बाद बेचता था नहीं बेचता था दैट वाज इन्वेस्टमेंट और अगर कोई बाइंग सेलिंग करके शेयर अपने नाम पर ट्रांसफर करवा के दो तीन चार महीने में बेच देता था प्रॉफिट लेके दैट वाज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको आज हम पोजिशनल ट्रेडिंग का okay. नाम देते हैं इंट्रा डे वगैरह तो होता ही नहीं था क्योंकि हमने अगर एक बार भाव पूछ लिया ना फिर चार बार जाके भाव पूछते थे ना तो भागी डर से हम भाव नहीं देंगे इस hmm. तरह का मतलब वो गुस्से में नहीं मस्ती में Hmm. कि तुम खाली भाव पूछने आते थे अभी क्या होता है कि सब कुछ ऑनलाइन है तो मैं दिन में पचास बार भाव ही देख रही हूँ दूसरा कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ hmm. वो टाइम पैसा कुछ नहीं था बता दिया फोन पे ऑर्डर दे दिया काम खत्म तो सब कुछ फिजिकली होता था सब फिजिकल ओके okay. उसके अंदर क्या होता था ए ग्रुप शेयर्स होते थे और बी ग्रुप शेयर्स होते थे hmm. तो जो ए ग्रुप शेयर्स होते थे उसमें एक सिस्टम ये भी होता था कि अगर मिस्टर एक्स के पास पैसा नहीं है तो वो क्या कहते थे कि भाई मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है ओके okay. और पंद्रह पंद्रह दिन का सेटलमेंट होता हुँ, था हुँ. मुझे डिलीवरी नहीं लेनी तो वो क्या करते थे कि पंद्रह दिन के बाद जब फ्राइडे होता था तो बोल देते थे शाम को कि मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो मैं इसको नहीं उठाऊंगा मेरे पास पैसा नहीं है अच्छा तो जिसके पास पैसा होता था वो बोलता था मेरे पास पैसा है मैं तुमको पैसा देने को तैयार हूँ ये शेयर मुझे दे दो इनके बदले में बदले में मुझे एक ब्याज दे दो फिफ्टीन डेज का कॉस्ट दे दो जिसको आज हम लोग कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स राइट तो वहाँ पे वो अलग से ब्याज ऐड होता था मतलब अगर 425 का भाव है तो नेक्स्ट डे जब हम बिल बनाते थे तो उसमें वो टाइम पे जैसे 24% परसेंट तीस परसेंट का ब्याज चलता था oh, oh, oh. मतलब 1 परसेंट पर 15 डेज पर okay. फोर्टनाइट या वन एंड per तो जैसे चार अच्छा। रूपयाटी हाँ, हुआ, हुआ, तो की हो जाती थी अच्छा दैट वे वो बिल्स बनते जाते थे तो जो करंट जो क्लोज प्राइस होता था ना उसको हम बोलते थे हवाला रेट हुँ. और जो करंट सेटलमेंट uh, होता था उसको हम बोलते थे चालू और नेक्स्ट सेटलमेंट को उपला बोलते थे ओके okay. <laughs> <laughs> तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं हाँ. वो वहां की वो टाइम की थी आज उसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स ऑप्शन ऑप्शन तो थे ही नहीं आज हम बोलते हैं करंट मंथ नेक्स्ट मंथ वो टाइम पे चालू उपला आज भी अगर आप कभी किसी ब्रोकर के यहाँ जाओगे मिलोगे कभी ओल्ड जो सिस्टम ये फॉलो करते हैं अभी बोलेंगे चालू का ये भाव है उपले का ये भाव है ओके तो वो पुराने टर्मिनोलॉजी अभाव बहुत लोग तो, अभी बहुत तो कभी भी नहीं समझ हाँ, पाते तो हम लोग को तो पता ही है ना राइट कभी कभी मेरे मुंह से भी यही निकलता है उपले का ये भाव है हाँ हाँ नेचुरली बराबर है तो मैम बीएससी को कितने साल हुए और एनएससी को कितने साल हुए बी एस सी एटीन सेवेंटी फाइव से है okay. ओके और एन एस सी एन एस सी नाइनटीन फोर और आपका फेवरेट कौन सा है एक्सचेंज मेरा फेवरेट एक मेरा ससुराल एक मेरा मायका है तो मैं बॉन कहाँ से हुई बीएससी से वो हो गया माइका एन में ग्रो हुई वो हो गया ससुराल अच्छा अब बताओ ससुराल फेवरेट है कि माइका फेवरेट है नहीं बोल सकते सो <laughs> so, मुझे दोनों पसंद है और मैं दोनों जगह काम करती हूँ बी में भी काम करती हूँ लेकिन ज़्यादा ससुराल में रहना पड़ता है ना मायके में कम रहना पड़ता है ना तो इसलिए वॉल्यूम्स ज़्यादा एन में हो जाते हैं और बीएससी में थोड़े कम हो जाते हैं तो मैम पहले क्योंकि आपने बताया सब फ़िज़िकली होता था तो ये डिलीवरी कैसे हुआ करता था अभी तो ऑनलाइन होता है सब तो पहले कैसे हुआ करता तो था? पहले क्या होता था कि फॉर्टुनाइटली मैंने कहा सेटलमेंट होता था हाँ. तो उस सेटलमेंट में हम लोग को मालूम हो जाता था कि ये डिलीवरी हमको आने वाली है और ये डिलीवरी जाने वाली है हुँ. तो एक दिन हम लोग का फिक्स हो जाता था वो डे और वो टाइम पे हमको सब जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं विद ट्रांसफर डीट्स एक्सचेंज में वही रिंग में सब काउंट प्लेसेस काउंटर बने रहते थे वहाँ पे जाना पड़ता था सब हाँ, वो हम लोग नहीं जाते थे स्टाफ जाते थे और सब शेयर जिसके जिसके हम लोग बंडल बना के रखते थे ये शेयर इस ब्रोकर को अच्छा हमको नहीं मालूम था किसको देना होता है हमको एक्सचेंज से स्लिप आती थी कि आपको इतने शेयर्स ये ब्रोकर को देने हैं आपको इतने शेयर्स ये ब्रोकर को देने हैं जो हमने सेल किया और जो हमने बाय किया वो सामने वाले के पास जाता था कि आपको ये ब्रोकर को इतने शेयर्स देने हैं तो सब लोग क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू द स्लिप शेयर्स जो है बंडल बना बना के रखते थे और वो बंडल को एक्सचेंज कर लेते थे फिर जब वो वापस आते थे हमारे पास हम चेक करते थे कि ट्रांसफर ट्रांसफरडी प्रॉपर डेट की उस पर एक स्टैंप रहती थी डेट की तो डेट बराबर है सर्टिफिकेट कहीं से फटा हुआ तो नहीं है कहीं पे कैंसिलेशन तो नहीं है वो सब हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता था फिर वो ट्रांसफर डीड अलोंग विद द सर्टिफिकेट हम क्लाइंट को दे देते थे और फिर बिल भी साथ में देते थे क्लाइंट पैसा दे देता था इस तरह okay. से सिस्टम होता था और जो क्लाइंट को बेचना है वो हमको शेयर दे जाता था हम वो शेयर की डिलीवरी देते थे जब पैसा आ जाता था तब हम उनको बिल के साथ में पैसा दे देते थे और ये आपने कैसे बताया टी प्लस कितने दिन होते है? ऐसा टी प्लस करके कुछ नहीं होता था तब नहीं होता। ये आज का सिस्टम है टी प्लस वो टाइम पे कभी फिफ्टीन डेज से होता था कभी ट्वेंटी वन डेज से होता था ये कैश का बट एफ एंड जिसको हम बदला बोलते थे वो फोर्टनाइटली अच्छा फ्राइडे टू फ्राइडे और मजे की बात पता है जब ये डिलीवरी होती थी ना तो लेट्स कि फ्राइडे को हमारा डिलीवरी का सेटलमेंट है तो सैटरडे संडे मंडे हमको छुट्टी होती थी तो सैटरडे संडे मंडे हम लोग लग के फिजिकली सब मतलब रातों रात हम लोग पूरी रात काम करते रहते थे मतलब सर्टिफिकेट्स करना इतना हार्डवर्क हो जाता था ना hmm. घर हम लोग मतलब रात को निकलते थे कि नहीं निकलते थे कि ट्वेंटी फोर बाई सेवन वाली शिफ्ट हो जाती थी ऐसा सब होता था फिर जल्दी आते थे इसलिए हमको मंडे भी छुट्टी होती थी कभी कभी ट्यूसडे भी छुट्टी हो जाती थी क्योंकि हमको ये सेटलमेंट क्लियर करना होता hmm. था तब तो हमको बहुत छुट्टियाँ मिलती थी अच्छा कितनी छुट्टियाँ मिलती थी हमको दिवाली की कम से कम पाँच सात छुट्टी मिलती थी फिर दुर्गा पूजा की हमको आठ सात आठ चुट, नौ छुट्टी मिलती थी न्यू ईयर के हिसाब से हमको सेवन एट डेज़ की छुट्टी मिलती थी जितने भी फेस्टिवल्स हैं हमको सबकी छुट्टी मिलती थी तो मतलब ओवरऑल हमको है ना साल में समझो दो सौ दिन ही मार्केट होता था तो मैं रॉन्ग जनरेशन में शायद बॉर्न हो गई नहीं नहीं ऐसा नहीं है देखो ऐसा है और मज़े की बात है कि पहले क्या था दो घंटे का मार्केट होता था और फिजिकल लेबर इतना ज़्यादा हो जाता था कि हम लोग हैंडल नहीं कर पाते थे अब जो है पूरा फिजिकल लेबर खत्म होकर सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया अब एक बात बताओ तुमको शॉपिंग पे जाना है कितनी टाइम लगती है शॉपिंग पे जाना आना करने में आधा दिन निकल जाता है आधा दिन निकल जाता है वही जब तक हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कितना टाइम लगता है एक दो घंटा बस तो वर्क उतना ही है लेकिन मार्केट टाइम बढ़ा दिया इसलिए काम जो फिजिकल लेबर है ना वो हमारा एक तरह से खत्म हो गया सब ऑनलाइन हो गया इस वजह से टाइम इतनी बचने लग गई कि मार्केट के आज एक्सटेंड कर दिए और ये जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे एक्सटेंशन हमको मिलती जाएगी अब जैसे टी प्लस फाइव हुआ फिर टी प्लस थ्री हुआ फिर टी प्लस टू हुआ अब टी प्लस वन है हो सकता है अभी टी प्लस जीरो आ जाए तो इसके इसमें क्या होगा कि हमको कुछ करना ही नहीं है तो फिर हम चाहे कितनी देर भी मार्केट में बैठे इमीडिएटली हो मार्केट में बैठो ट्रेड करो उठ जाओ। तो बढ़ती जा रही आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे ज्योति बुधिया मैम ने अबसर्स डॉट क्लब के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में

वो टाइम पे बॉम्बे डाइंग जो था वो मुझे अभी भी याद है मैं जॉबिंग से स्टार्ट की थी मैंने की करती थी। okay. हाँ। और में? वो मुझे लेकिन मैं जॉबिंग करती थी बॉम्बे टैंक में वो मुझे याद है मुझे बहुत चीजें याद है लेकिन बहुत सारी चीजें भूल भी गई हूँ ना तो मैम आपका एक्सपीरियंस रिंग में ट्रेडिंग करना और अभी ऑनलाइन सिस्टम्स में ट्रेडिंग करना आपको कैसा वो चेंज लग रहा है देखो ऐसा है ट्रेडिंग नहीं होता था वो टाइम पे होता ही नहीं था हाँ बाइंग सेलिंग होती थी क्लाइंट के बिहाफ में हाँ। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ चलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कॉलेज जाके पढ़ाई करनी ज्यादा अच्छी लगती है या ऑनलाइन पढ़ाई करनी ज्यादा अच्छी लगती है कॉलेज क्यों क्योंकि दोस्त होते हैं आजू आजू सब पढ़ रहे हैं तो मिलजुल के होता दो है दो चीज़ होती है एक तो दोस्त होते हैं सर्कल होता है सबसे बड़ी बात मेंटल डेवलपमेंट होता है क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं रिंग टाइम में क्या होता था कि हम लोग आपस से बहुत सीखते थे मुझे खास करके मुझे दूसरे ब्रोकर लोग बहुत सिखाते थे बेटी 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 करके बहुत सिखाया है उन्होंने बहुत सिखाया है जो आज की तारीख में मैं उनसे मिल सकती हूँ जानती हूँ लेकिन उनसे मिलने के लिए चला के जाना पड़ेगा तब तो रेगुलर मिलना था हाँ। तो वो जो मेंटल डेवलपमेंट रोज मिलने से होता है वो घर बैठ के वो काम करना या ऑफिस में एक अपने केबिन में बंद होके वो काम करना तो काम की एफिशिएंसी बढ़ी है लेकिन मेंटल ग्रोथ जो रहता है ना जो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसमें तो फर्क पड़ता ही है ना और फिर सबके साथ रहने में जब हम पिकनिक जाते हैं तो मज़े करते ही है ना अकेले पिकनिक जाते हैं तो मज़ा आता है नहीं सिंपल है राइट तो मैम आपका इनिशियली आपने कितना ट्रेडिंग कैपिटल डिप्लॉय किया था क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं आज जो एमेचोर ट्रेडर्स हैं अब उनको ये जानना है कि हम हमें कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए इन कैश सेगमेंट तो वो कितना होना चाहिए कितने कैपिटल से स्टार्ट करने से क्या होता है पैसा तो जो मेरे पास है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना

अभी ऐसा है जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो टाइम पे हमारे पास सर्टिफिकेट्स जो होते थे वो 50 लॉट साइज के होते थे या 100 की लॉट साइज के होते हाँ। थे और अगर 100 पेड़ अप के शेयर्स थे तो वो 5 या 10 के होते थे राइट आज जो है हम एक एक शेयर बाय सेल कर सकते हैं तो एक एक शेयर बाय सेल करो ना फर्स्ट लर्न इम्प्रूव योर कैपेसिटी सी दैट आर गोइंग राइट उसके बाद आप कैपिटल की बात करो ना डायरेक्ट कैपिटल लगाने पे क्यों आ रहे हो पहले अपने आप को टेस्ट तो करो कि आपका टेम्परामेंट क्या है आप इस मार्केट में फिट होगे कि नहीं होगी आप यहाँ की साइकोलॉजी और यहाँ की नॉलेज को और यहाँ के ट्रेड को एब्जॉर्ब कर पाओगे कि नहीं आज आप दस लाख लेके आ गए कहीं से भी और वो डूब गया एक महीने में दो महीने में क्या करोगे वापस वो कैपिटल ला सकते हो लेकिन हम टेस्टिंग कैसे करते हैं छोटे छोटे लॉट्स में बाय करके फिर उसको अच्छा, अच्छा मुझे अच्छा। बताइए जब कोई डॉक्टर बनते हैं हाँ। या कोई भी फील्ड में हम काम करते हैं हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं साइंस सब्जेक्ट होता है हाँ। तो हमको एक बायोलॉजी में प्रैक्टिकल आता है जहां पे हम फ्रॉग को डिसेक्ट करते हैं ओके हाँ। जिंदा को करते हैं हरे हुए को करते हैं हमको डायरेक्ट आदमी पे क्यों नहीं किया जाता है? कि आप आदमी पे करो हम कर ही नहीं पाएंगे हम देख ही नहीं पाएंगे कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो हम देख ही नहीं पाएंगे हम बच्चे होते हैं हम डेड बॉडी देख ही नहीं पाएंगे आज वही डॉक्टर्स हैं आराम से सब काम कर लेते हैं उन्होंने ट्राई और प्रैक्टिस पे की छोटी छोटी करके की अगर वही बात ये नहीं है कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पे किसका दे रही हूँ क्या दे रही हूँ बात ये कि मैं सीधा सीधा दस लाख बीस लाख का, का कैपिटल ला कर डाल के उसको जीरो कर दू तो दूसरा आएगा कहाँ से और मेरा मुराल पूरा डाउन हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा कमा लिया तो मैं सातवें आसमान पे और अगर खो दिया पूरा पैसा तो मतलब मेरी लाइफ में जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी वहाँ तक पहुँचा देता है ये मार्केट आदमी को तो क्यों नहीं हम एक एक शेयर से पहले अपना टेम्परामेंट ट्राई करें क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मॉक पेपर ट्रेड करो मॉक ट्रेड करो बट उसमें इमोशंस नहीं आते हैं लेकिन जब कोई नया नया स्टार्ट करता है ना तो वो अगर पाँच सौ भी डालेगा ना तो इमोशंस आ जाएंगे आ। वो देखेगा कि मेरे पाँच के पाँच हुए कि नहीं हुए 500 के 490 उसको उतने इमोशंस नहीं आएंगे फिर बाद में धीरे धीरे क्वांटिटी डबल करें धीरे धीरे अगर मान लो 10 में से 8 ट्रेड राइट गए तो क्वांटिटी डबल करें मार्केट कब से है 1875 से कब तक रहेगा इतना भी अगर रहा ना तो हमारे लिए काफ़ी है 150 साल भी और रहा ना तो हमारे लिए काफ़ी है राइट और डेढ़ सौ साल दो सौ साल हम लोग इतने रहेंगे नहीं तो कहीं नहीं जाने वाला मार्केट डेवलप ही होने वाला है पेशेंस रखो कोई भी पांच दिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करता है कभी देखा है किसी को पैदा होते ही पांच दिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए नहीं कितना टाइम लगता है कम से कम बीस बाईस साल लगते हैं हाँ। मैं तो बोलती हूँ कि बीस बाईस महीने तो दो कम से कम अपने आप को ग्रो करने के लिए मार्केट में सेट होने के लिए कोई भी बिजनेस दो दिन में सेट नहीं होता right. फिर ट्रेडिंग हम क्यों दो मिनट में सेट करना चाहते हैं गिव इट अ टाइम सो डू समराइज पहले हमें छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए हाँ एक क्वांटिटी से, से कम करो से, एक क्वांटिटी मींस नॉट वन एम आर एफ हाँ ऑफकोर्स हाँ राइट यू कैन से लाइक वन टाटा मोटर्स वन टाटा स्टील या टू टाटा स्टील मतलब हजार पाँच सौ पंद्रह सौ रुपये में काम शुरू करो वो भी कैश में नॉट डायरेक्टली एफेंड हो गॉट तो मैम आपने जैसे बताया उस टाइम पे तो ट्रेडिंग जैसा कोई टर्मिनोलॉजी था ही नहीं तो भी आपका वो स्ट्रैटेजी कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स जब आप पहले ट्रेडिंग करते थे और अब जाके वो कैसे मैं हुआ पहले हुआ क्लाइंटल काम करती थी हुँ. फिर देखती थी और कि वो लोग कैसे करते हैं रिंग में भी मुझे बहुत कुछ सिखाया गया फिर 1990 में मैंने चार्ट सिखाया हुँ. जो उन्हीं लोगों ने मुझे ब्रोकर्स लोगों ने बोला कि चार्ट सीखो और उन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया तो ग्राफ पेपर पे मैंने चार्ट स्टार्ट किए विध डाउट थियरी तो उसमें हायर हाई हायर लो लोअर लो लोअर हाई ये इसी फॉर्मूला पे हम चलते थे तो वो जो हमने बनाए तो ग्राफ पेपर पे हम करते गए वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टेक्निकल आया 2000 में ओके okay. तब वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैंने टेक्निकल्स और भी डीप स्टडी की तो मेरा जो और फंडामेंटल्स था उससे पहले तो जब मैंने रिंग में ज्वाइन किया था तो वो टाइम पे फंडामेंटल्स ही ज़्यादा चलते थे कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है कंपनी की ग्रोथ क्या है कंपनी क्या करती है एंड ऑल दैट तो वही सब मैं देखते देखते बड़ी हुई तो फंडामेंटल्स अपने आप बन गए फिर टेक्निकल्स उन्होंने सिखा दिया बदला मार्केट ने वैसे सिखा दिया इन लोगों ने ही सब मुझे मार्केट के ब्रोकर्स लोगों ने सिखाया है उसके बाद धीरे धीरे करते करते 2002 में मैंने ऑप्शंस आए 2001 में लेकिन मैंने 2002 से ऑप्शंस धीरे धीरे स्टार्ट किए ओके okay. तो आप फिजिकल ग्राफ पे पहले ड्रॉ करते थे बिल्कुल वो याद है स्कूल में आया वो ग्रीन कलर का ग्रीन ग्राफ कलर पर ग्राफ।, ग्राफ पेपर आता था जिसमें हम बनाते थे लाइन से हाँ। और कितनी बार उसको मिटाते थे फिर लिखते थे मिटाते थे हाँ। पूरे ग्राफ पेपर ग्रीन को ब्लैक बना देते हाँ। थे, थे हाँ हाँ बहुत अच्छे से याद है तो मैम अभी आपके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है उसमें से आपके सबसे फेवरेट कौन से है देखो ऐसा फेवरेट कुछ नहीं होता हर टाइम सेम इंडिकेटर वर्क नहीं करता अभी जैसे मैंने आप लोगों के लिए इतने ये कोर्स भी बनाए प्लस इतने यूट्यूब वीडियो बनाए कहीं पे मैंने क्या किया आर एस आई विथ एम एफ आई लिया है कहीं पे मैंने आर एस आई विथ बुलजर बैंड लिया है कहीं पे मैंने आर एस आई विथ मैकडी लिया है एमएसईडी कहीं मैंने प्योरली आर एस आई और कैंडल स्टिक्स लिया है कहीं मैंने आर एस आई विथ मूविंग एवरेज लिया है कहीं फिबुना की विथ आर एस आई लिया है तो ये जो वेरियस पैरामीटर्स कब कौन से किसके साथ मैच होते हैं सूट होते हैं हमको अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं ना मैं उसके हिसाब से ट्रेड करती हूँ हाँ लेकिन आर एस आई को एक तो मैं कभी अपने काउंटर से नहीं हटाती दूसरा आर एस आई के साथ में मुझे कैंडल स्टिक्स जो है कैंडल स्टिक्स अपने आप में बहुत बातें करती है अगर उसको समझा जाए तो और जहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस hmm. अगर चार्ट में मुझे दिखता है उसके साथ में अगर वो एफ ओ का स्टॉक है डेरिवेटिव्स का स्टॉक है तो करस्पॉन्डिंगली अगर मुझे एफ एंड का डेटा भी सपोर्ट पे मतलब टेक्निकल्स पे सपोर्ट दिखा रहा है एफ एंड ओ की डेटा भी लॉन्ग अप और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्ट्स विथ टेक्निकल्स एज वेल एज डेरीवेटिव डेटा तो फिर मुझे वो थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि बाई साइड में जाऊँ ओके लॉन्ग करूँ और अगर मुझे वो रेजिस्टेंस पे मिलता है और शॉर्ट बिल्डअप विथ हाइस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट जो कि मैंने काफ़ी इस पर भी यूट्यूब बनाए हैं अब सर्च में ही okay. पब्लिक देख सकती है मज़े ले सकती है जो मैं करती हूँ सिखा रही हूँ तो उसके बेस पे मैं शॉर्ट साइड में जा सकती हूँ और जब मुझे कैश में डिलीवरी लेना है तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जैसे आर को थ्री टाइम फ्रेम में देखने का मंथली okay. वीकली uh, और डेली और तीनों का कॉम्बिनेशन अबाउ फिफ्टी सिक्सटी आ जाता है और प्लस मल्टी ईयर ब्रेकआउट या लॉन्ग टर्म पीरियड ब्रेकआउट आता है तो वो वाले स्टॉक्स में, में मेरे इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से करती हूँ और इन्वेस्टमेंट में कभी कभी तो क्या होता है कि कुछ ब्लू चिप कंपनीज होती हैं तो उनमें मेरा एक और स्टाइल रहता है कि जो मंथ में मंथ के लास्ट डे पे मैं चेक करती हूँ तो मंथ के लास्ट डे पे दो बजे उनमें से कौन सी अच्छी कंपनीज़ जो 5 से ज़्यादा इस महीने में गिरी है तो एक सर्टन एस मेरा उसमें जाता है ओके okay. जो गिरी है 5 गिरी है मोर देन फाइव परसेंट कभी कभी तो टेन टेन परसेंट गिरती है कभी कभी दो तो दो तीन तीन महीने तक गिरती रहती है hmm. उसके बाद जब वो रनअप लेती है ना तो 20-20 परसेंट पच्चीस पच्चीस परसेंट दो तीन महीने में रिटर्न दे देती है और कभी कभी नहीं भी देती है तो ओवरऑल करके उसका अच्छा सी आर आ जाता है okay. तो वो एक मेरा एस अलग चलता है तो इस टाइप से मैं बहुत स्लोली स्लोली काम करती हूँ गॉट इट

उसके हिसाब से जो स्टॉप लॉस आता है वो तो उसमें मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि अगर ये लॉस आ गया क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ okay. अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो आगे बढ़ूँगी नहीं कर सकती हूँ तो नहीं करूँगी दूसरी बात मैं अपने लॉस का पैसा पहले टेबल पे रखूँगी hmm. और फिर आगे की बात करूँगी तीसरी बात लॉस कितना लेना है जितनी मेरी पॉकेट अलाउ करेगी नॉट मोर देन दैट मेरी पॉकेट को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने लॉस कर दिया hmm. उसको दुख नहीं होना चाहिए मतलब इन शॉर्ट अगर मैंने लाख रुपए कमाए और दो लाख का लॉस कर दिया डज इट मेक एनी सेंस तो दो लाख अगर खो दिया और वो सेंस नहीं करता है तो मान लो अगर मैंने लाख रुपए कमाए तो ज्यादा से ज्यादा पचास हजार का लॉस हो गया उसके अंदर अंदर तो कम से कम पचास तो घर लेके जाऊं दिस इज इज व्हाट अ ब्रीफ आई कैन टेल यू कि फिर वो मेरा उस महीने का कोटा बंद मैं वो महीना ही पूरा ट्रेड नहीं करूंगी दूसरा एक और स्टाइल है कि मान लो मेरा डे वन से ही लॉस चालू हो गया तो हम क्या करते हैं जैसे बच्चों को देते हैं कि पॉकेट मनी आपको भी मिलती थी मेरे को भी मिलती थी अगर हमने कभी एक्स्ट्रा मांगी तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे कितने पूछे जाते थे ऑलमोस्ट पाँच दस पूछते थे कि किसके लिए चाहिए और वो सेटिस्फैक्ट्री होता था तो एक्स्ट्रा मिलता था हाँ। नहीं होता था तो नहीं हुँ. एक महीना दे दिया हर महीने नहीं मिलता था वो भी राइट right. कि तुम्हारे एक्सक्यूजेस चलते हैं तो मार्केट में भी एक पॉकेट मनी या एक स्टॉप लॉस अमाउंट डिसाइड कर लो कि मैं इस महीने इससे ज़्यादा लॉस नहीं देना है मुझे मार्केट को हुँ. अगर मुझे मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है तो मैं मार्केट को इस महीने की मार्केट की पॉकेट मनी मेरी तरफ से इतनी ही है इससे ज्यादा अगर मार्केट मांगेगा तो मैं काम ही नहीं करूँगी okay, तो इस तरह से मैं स्टॉप लॉस को अब देखने लगी हूँ पहले नहीं देखती थी उसका नतीजा भुगत लिया था राइट hmm, right. मतलब मैंने ये देखा है कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस ऑफ ट्रेडिंग हाँ और काफ़ी ट्रेडर्स यही एडवोकेट करते हैं कि पहले से ट्रेडर्स साइकोलॉजी राइट माइंडसेट के साथ ट्रेड करें तो ही आप सक्सेसफुल आपको एक बात बताऊँ हाँ जब मैं दादाजी से सुनती थी ना तो वो लोग भी यही बोलते थे नाना जी है दादाजी यही बोलते थे बोलते इन्वेस्टर्स को लालच आ जाता है तेजी में बेचा नहीं जाता है ये बात है कम से कम सत्तर अस्सी सौ साल पहले की पापा के मुझसे भी आज भी यही सुनती हूँ कि जब हम लोग रिंग में स्टार्ट किए थे बाय द वे मेरे पापा को भी साठ इयर्स करीब कंप्लीट हो गए मार्केट में बाय ही स्टिल सिटिंग मी मजे ले रहे हैं वो मार्केट के ही मोर ऑफ अ इन्वेस्टर कम ट्रेडर ऑप्शंस okay. नहीं करते करते वो है जो मैं बताती हूँ <laughs> <Otherwise, नहीं करते. laughs> uh. और वो भी अगर मैंने उनको बता भी दिया तो इतने कंजर्वेटिव है एक लॉट से ज्यादा नहीं करेंगे कैन यू बिलीव दैट पापा इतने कंजर्वेटिव हैं कि एक लॉट से ज्यादा नहीं करेंगे और ये सुन के शायद बहुत लोगों को हंसी भी आएगी hmm. कि हम लोग तो सौ सौ लॉट कर लेते हैं पचास लॉट करते हैं बट डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन तो वो कंजर्वेटिव के हिसाब से अपना वो एक तरह से टाइम पास के लिए ट्रेड करते हैं ही नीड दैट वो एक से रिटायर्ड है बट टाइम पास के हिसाब से तो वो भी यही बोलते थे बोले जब से मैंने देखा है मार्केट में लोगों की यही साइकोलॉजी चली है कि जब मार्केट क्रैश होता है ना तो कोई लेता नहीं था और मार्केट जब एकदम ज़्यादा बढ़ जाता था ना सब लेना चाहते थे मतलब साइकोलॉजी जो था ना आज से सौ डेढ़ सौ साल पहले भी हुई थी सौ साल पहले भी वही थी पचास साल पहले भी वही थी आज भी वही है और आने वाले पचास और सौ साल बाद भी यही रहेगी और हम यही रिपीट करते रहेंगे अपनी साइकोलॉजी ठीक करो रिस्क मैनेजमेंट रखो ये रखो वो रखो तो ही समझ लेकिन नहीं होगा ये साइकोलॉजी स्ट्रांग रखने के लिए जो चाहिए जैसे ही मार्केट के आगे जो बैठता है विदाउट स्ट्रांग माइंड तो सारी साइकोलॉजी खत्म हो जाती है yeah. तो बहुत स्ट्रांग होके बहुत ही कड़क होके बैठना पड़ता है ऐसे ही बैठना पड़ता हाँ। है जैसे मैंने बताया है ऐसे 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 नहीं नहीं नोटेड मैम तो मैम अभी थोड़ा डेरिवेटिव सेगमेंट पे जाते हैं हम अभी मार्केट के साइकिल होते हैं बुलिश होता है कभी बैरिश होता है कभी साइडवेज रहता है तो आप ऑप्शंस कैसे डिप्लॉय करते हैं इन दीज वेरियस मार्केट मैंने आपको बताया ना जहाँ पे मेरे चार्ट सपोर्ट दे रहे हैं प्लस मेरा डेटा डेलीवेटीज़ का डेटा अगर वो मुझे सपोर्ट के पास में लॉन्ग बिल्टअप विथ हाईस्ट फुट ओपन इंटरेस्ट देता है तो उनमें मैं कॉल बाय की तरफ जाती हूँ ओके okay. और अगर जो स्टॉक शॉर्ट दिखाता है विथ रेजिस्टेंस के इधर शॉर्ट बिल्टअप विथ हाईस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहा है हुँ. तो मैं शॉर्ट की तरफ यानी कि पुट बाई की तरफ मैं बेसिकली थोड़ी बाइंग की तरफ ज़्यादा हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे राइटिंग से परहेज नहीं है अभी जैसे अभी ये मंथ चल रहा है तो इसमें प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी कोई भी ऐसा टाइम आता है कि प्रीमियम्स ज़्यादा होते हैं तो ऐसे टाइम पे मैं स्प्रेड्स यूज करना ज़्यादा पसंद करती हूँ मतलब एक कॉल ले लिया दूसरा कॉल ऊपर वाला बेच दिया या ऊपर वाला एक पुट ले लिया नीचे वाला एक पुट बेच दिया तो उससे क्या होता है कि थोड़ी प्रीमियम की कॉस्टिंग कम हो जाती है हुँ. क्योंकि सबसे पहले ये देखना है कि मैं प्रीमियम डिप्लॉय कितना कर रही हूँ अच्छा ऑप्शंस आर नॉट फॉर एवर दे विल गेट एक्सपायर अब कितने दिन बचे उतने में खत्म हो जाएगा राइट right. उसके बाद और मैक्सिमम टाइम मैंने क्या देखा है ऑप्शन यहाँ एक्सपायर हो गया दूसरे दिन भाव आ जाता है फिर क्या फायदा हुआ हाँ। hmm. इसलिए स्प्रेड बना ले तो कम से कम उतना दुख तो नहीं होता है तो आपका वो प्रॉफिट लॉस उस रेंज में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है देखिए ऐसा है रिस्ट्रिक्ट तो रेंज में हो गया लेकिन मुझे सच्ची सच्ची बताना हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं प्रॉफिट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि लॉस को लॉस को, को? को ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं अच्छा चलो अभी मैं इसको रिवर्ट करके पूछती हूँ हाँ। आप किसको जल्दी बुक करते हो प्रॉफिट को या लॉस को प्रॉफिट तो मतलब आपने प्रॉफिट रिस्ट्रिक्ट किया लॉस में खड़े हो राइट right, राइट right. मैंने अमाउंट रिड्यूस किया भले प्रॉफिट रिस्ट्रिक्टेड हो गया बट लॉस तो और भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना हाँ राइट मेक सेंस अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि इंडिया में 95% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं ट्रेडिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है बट टॉप फाइव परसेंट में आने के लिए सही नॉलेज और ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना जरूरी है जो आपको एक्सपीरियंस का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपके ट्रेडिंग जर्नी का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि इसे ज्योति बुधिया मैम ने सिखाया है जिनके पास थर्टी सेवन ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस कोर्स में कैंडल स्टिक्स इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कवर किए हैं विच विल मेक यू अ प्रो ट्रेडर तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए एट जस्ट फोर नाइन्टी नाइन नाउ लेट गेट बैक टू द वीडियो तो मैम आप इतने सालों से ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस ले रहे हैं खुद आप मार्केट्स में हैं अभी भी एंड प्लस आप लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को एंड यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन वन वे तो आपको क्या लगता है कि एमचर ऑप्शन ट्रेडर्स कौन सी मिस्टेक ज़्यादा करते हैं और हाउ हाउ कैन दे अवॉइड इट तुमने जितने क्वेश्चन पूछे ना मैं लाइन बाई लाइन सबके आंसर देती हूँ Okay. सबसे पहले तुमने पूछा कि आप आज भी ट्रेडिंग करते हो hmm. मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ट्रेडर या इन्वेस्टर रिटायर कब होता है <laughs> uh. <laughs> जहां तक मैं जानती अगर किसी को ट्रेडिंग आती है इन्वेस्टमेंट आती है उसको नॉलेज है तो वो जब तक कर सकता है जब तक इस दुनिया में रहेगा वो ट्रेडिंग करेगा hmm. वो छोड़ नहीं सकता अगर वो ट्रेड करना जानता है तो hmm. अगर नहीं जानता है तो मार्केट खुद ही उसे भगा देगी राइट राइट दूसरी बात अब आपने बोला कि ट्रेनिंग ऐसा है कि ट्रेनिंग मैंने अभी अगर कहो तो पंद्रह साल से ही शुरू की है उसके पहले मैंने की नहीं थी अच्छा मैं खुद अपना ही काम करती थी और क्लाइंट्स का काम करती थी उनके लिए एज अ सब ब्रोकर थी और बाद में अपना ट्रेडिंग करती हूँ मैंने कभी भी ट्रेनिंग के बारे में सोचा नहीं था फिर मुझे ही किस लोगों ने सजेशन दिया कि जैसे हमने तुमको सिखाया है तुम भी सिखाओ लेकिन चार्ज करना मैंने कहा हाँ ठीक है चार्ज तो मैं करूंगी बोला अदरवाइज ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं रहेगी लेकिन शुरू शुरू में मैंने फ्री में भी सिखाया था तो फ्री में सिखाया तो क्या हुआ कि लोग आते थे ट्रेनिंग लेते थे और फिर मन करता था तो निकल जाते थे बोलते थे हमारे पास टाइम नहीं है तो मेरी तो पूरी मेहनत वेस्ट हो गई तो मैंने कहा नहीं अब से मैं पैसा लूंगी और मैं अच्छे से पैसा लेती हूँ ये भी नहीं है कि नहीं लेती हूँ hmm. आराम से अच्छे से पैसा लेती हूँ लेकिन मैं सिखाती भी उसी तरह से हूँ hmm. जो मैंने प्रॉब्लम ट्रेडर्स में और स्टूडेंट्स में देखी है वो ये है कि जब वो आते हैं ना फुल जोश में आते हैं मतलब पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे और अपना ट्वेंटी फोर बाई सेवन पूरा डेडिकेट कर देंगे स्टडी में मैं उनसे कहती हूँ देखो मैं तुमको सिखाऊंगी तुमको होमवर्क दूंगी ये करने के लिए ये प्रैक्टिस हाँ हाँ हम सब करेंगे हम रोज के दो घंटे तीन घंटे देंगे जरूर देंगे हम करेंगे आपसे बोलो हम करेंगे फिर उसके बाद स्टार्टिंग में वो करते हैं धीरे 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 मान लो एक बैच में मैंने दस स्टूडेंट लिए वो दस में से जाते जाते लास्ट में तीन बचते हैं क्योंकि मेरे सेशंस जो है वो दो दो तीन तीन महीने के होते हैं कभी कभी छ महीने तक के होते हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा होती है इतनी प्रैक्टिस होती है कि लास्ट तक उस बैच में दो एक या दो या तीन ही बचते हैं बाकी सब धीरे धीरे आज टाइम नहीं है अगले बैच में आऊँगा तो ऐसे करूँगा ऐसे करते करते उनका चलता है मतलब इन शॉर्ट कहने का कि सीरियस ट्रेडिंग या प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है जो स्टडी और डेडिकेशन रिक्वायर्ड है वो देना सबके बस की बात नहीं है hmm. okay. हम लोग जब जैसे होता है ना कि जब नई नई क्लास स्टार्ट होती है हम मान लो जैसे सेवन से एट में गए या एट से टेंथ में या टेंथ से हम जो हमने आ, ये साल बोर्ड है इस बार तो बोर्ड में मैं ही टॉप करने वाला हूँ ठीक है मैं ही पढ़ने वाला हम छुट्टियों से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं फिर कॉलेज खुलते हैं अरे हाँ भी तो एग्जाम को टाइम है कल से करेंगे हाँ। कल से ऐसे करते करते एग्जाम की डेट आने की तैयारी अभी अरे एक महीना बच्चा है चलो अभी करते हैं फिर बोलते हैं हाँ ठीक है अभी आज इतना कर लिया और कल करेंगे ऐसे करते करते एग्जाम की डेट के एक नाइट पहले से हम पढ़ना शुरू करते राइट हाँ, वो डिले हो जाता है पूरा क्यों process. और अगर मुझे स्कोर करना है तो मुझे डे वन से वही डेडिकेशन रखना पड़ेगा कि खाली मुझे एक रात पहले पढ़ाई की और दूसरे दिन जाके एग्जाम दे दिया तो भी नाइन्टी फाइव परसेंट मार्क्स मिल जाएंगे तो हमने ये कैसे सोच लिया कि भाई हम प्रैक्टिस तो किए ही नहीं और सीधा मार्केट ओपन हुआ देख लिया और हमारा नाइन्टी फाइव का स्ट्राइक रेट आ जाएगा हाँ। तो वो जो चीज़ है देखो वो आप में इनबिल्ट लानी पड़ेगी हम जैसे कोई बिजनेस के ऊपर छाए हुए रहते हैं ना हमारा कोई बिजनेस रहता है हम कैसे उसको पूरा टाइम है? है। सैलरी अच्छा, बात बात हाथ आती है कितना काम करते हो पूरा महीना नौ घंटा एक दिन मतलब पांच दिन कभी कभी तो सैटरडे संडे भी बाई चांस छुट्टी नहीं मिलती होगी तो वो वहां पे कर सकते हो बिजनेस में कर सकते हो लेकिन यहाँ से भी तो पैसा आ रहा है ना इसके पीछे दो घंटे भी नहीं दे सकते हो एवरी डे yeah. तो वो जो चीज़ है ना वो लैकिंग हमेशा से देखती आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि अगर सौ बच्चे पढ़ रहे हों कहीं पे भी तो उसमें से चार या पांच से ज़्यादा सीरियस लर्नर्स मैं नहीं देखती राइट right. तो कंसिस्टेंसी हार्डवर्क और वो प्रैक्टिस होनी, होनी चाहिए टू बिकम अ वेल ट्रेडर गुड ट्रेडर खाली टिप्स पे काम नहीं होता राइट right. क्योंकि yes. टिप्स में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना टिप्स में अगर उसके कारण लॉस हो गया मेरा तो हम क्या करेंगे उसके कारण लॉस हुआ अरे लॉस हमारे कारण हुआ क्योंकि उसने तो दे दिया मैंने उसको रिस्टडी किया ही नहीं और फिर हम उसको छोड़ के दूसरा को ढूंढेंगे फिर दूसरे को छोड़ के तीसरे को ढूंढेंगे पैसा जो डूब गया उसका क्या yeah. हमने उसको रीस्टडी की ही नहीं hmm. दूसरा क्या होता है कि मेरे पास जो आते हैं ना मैक्सिमम लोग किस लिए आते हैं कि उनको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना है और ऑप्शन में करना है और एक्सपायरी ट्रेडिंग सीखनी है या इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है मैं इंट्राडे के थोड़े अगेंस्ट में हूँ आप जितने भी मेरे वीडियोस देखोगे ना शायद ही मैंने कोई इंट्राडे पे बनाया हाँ एक दो बनाया है लेकिन उसके अंदर मैं ट्रेडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस डिसिप्लिन को देती हूँ अच्छा मतलब Understand. मैं इतना डरती हूँ उसमें yeah. मेरा पूरा उसमें फोकस जो रहेगा ना आप मेरे वीडियोस भी देखोगे ना इंटरडे के अगर कोई है तो है दो चार एक होंगे लेकिन उसमें फोकस ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन पे रहेगा ओके hmm. okay. तो वो और आते ऑप्शन सेलिंग ही सीखना है तो कंडीशनल सिखाना इज डिफिकल्ट yeah. मुझे यही सीखना है तो खाली यही सीखने के लिए बाकी का जो बेस है वो किधर जाएगा मुझे तो सिर्फ इतना ही सीखना है तो वो पॉसिबल नहीं होता और ये कॉम्प्लिकेशन मुझे स्टूडेंट्स लोगों से फेस होती है राइट ओके तो मैम आपने मार्केट्स में तो इतना सक्सेस पा लिया है ऑलरेडी और अभी भी कंटिन्यू है वो जर्नी तो इसके बाद क्या है वॉट्स योर नेक्स्ट मूव नाउ सक्सेस पा लिया है मतलब क्या है इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस बिजनेस है चल रहा है चल रहा है काम yeah. कर रहे हैं ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ आप बोल दोगे कि आप इतना बिजनेस को ऊपर पहुँचा दिए अब क्या करोगे तो बिजनेस है वो अपना चल रहा है हाँ ये जरूर मेरी इच्छा है कि मैं कितना नॉलेज दे के जा सकूँ और इसीलिए मैंने अब सर्च वालों से टाइप किया आप लोग के साथ भी और और भी दो तीन इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप किया है आ, बड़े लोगों के साथ भी थोड़ा टाइप किया है कि भाई मेरी नॉलेज को पहुंचा सके ओके okay. तो ऐसा नहीं है मैं नॉलेज देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती और मैं चाहती हूं कि मैक्सिमम नॉलेज मैं दे सकूं सब लोगों को छोटे छोटे यूट्यूब्स बनाते रहती हूँ जिससे मैं नॉलेज दे सकूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब सामने से पब्लिक पूछती है या बोलती है कि भाई हमको ये वाला टॉपिक पे सिखाओ तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ hmm. कभी कभी ऐसा भी लोग बोलते हैं कि भाई इतना सारा क्यों बताते हो एक ही सिस्टम बताइए ये इतना बताने से कन्फ्यूजन होता है तो भाई जितने मेरे पास टॉपिक की डिमांड्स आती रहेगी मैं बनाती रहूँगी जब तक बना सकती हूँ बनाऊंगी जब तक सिखा सकती हूँ सिखाऊंगी दैट्स ग्रेट मैम थैंक यू सो मच और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं आप इतनी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं उनको एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ ऑफ एक्सपीरियंस तो इट्स अ ग्रेट थिंग थैंक यू तो मैम अभी लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड है और आपको बहुत क्विक रहना है इसमें आप सोच ही नहीं सकते आपका आंसर पर मिलेगा <laughs> मैम आपको क्या जरूरत है आप मुझे हैम्पर दे दो नहीं मुझे चाहिए <laughs> चलो दे दूंगी अगर मुझे क्वेश्चंस पसंद आए तो ओके डन ठीक है सो मैम वन फेवरेट मूवी ऑन स्टॉक मार्केट्स देख ऐसा है कि स्टॉक मार्केट छोड़ मैं हम, मुझे हर मूवी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है मेरी फेवरेट पिक्चर है धूम तीनों पिक्चर जो मैंने देखी धूम की उसमें जो मैंने एक चीज देखी ना वो थी डिसिप्लिन hmm. खास करके जैसे मैंने फर्स्ट पिक्चर में देखी जॉन एब्राहम की डिसिप्लिन और जहां वो डिसिप्लिन से चूक जाते हैं वहीं पे पिक्चर फिनिश हो जाती hmm. है सेम चीज धूम टू में मैंने देखी ऋतिक रोशन के साथ में एकदम प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन नो इमोशन जहां इमोशंस आई पिक्चर खत्म ओके okay. तो ये जो चीजें होती है ना ये देखने मिलती है कि भाई मार्केट में भी डिसिप्लिन रखो अदरवाइज पिक्चर खत्म हम्म राइट फिर मैम दलाल स्ट्रीट और अ ट्रॉपिकल बीच फॉर वेकेशन अब सर्च फॉर अ वेकेशन एवरी सैटरडे संडे आई एम योर एवरी सैटरडे एंड संडे आई एम योर टू क्रिएट वीडियोस फॉर द पब्लिक जिससे मैं उनको कुछ सिखा सकूं उनको कुछ ज्ञान बांट सकूं कोर्सेज भी किए हैं कितने मतलब नॉमिनल चार्ज पे किए हैं इतने नॉमिनल की इट इज अफोर्डेबल टू एवरीवन उसमें से भी जो लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाते उतनी सी भी प्राइस के लिए, तो फ्री बना के दे रही हूँ कितनी टाइम जाती है चार पांच घंटे में मंडे टू फ्राइडे मार्केट रहता है टाइम नहीं है तो सैटरडे संडे में रिकॉर्डिंग करके जाती हूँ अच्छा वो भी दो तीन सैटरडे संडे देती हूँ ना बाकी तो मेरे ही है पहले मेरे वीकेंड्स जब मैं अपसर्ज में नहीं आती थी तो बी एस सी ट्रेनिंग देती थी

वो फीलिंग्स को मारनी जरूरी है अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिया तो उछलना नहीं है hmm. लॉस कर लिया तो दुखी नहीं होना है hmm. आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन आने ही नहीं चाहिए यू शुड बी द सेम पर्सन विच यस्टरडे यू आर टूडे एंड यू विल बी टुमारो वेरी डाउन टू अर्थ वेरी गुड एडवाइस मैम टी और कॉफी टू स्टे अलर्ट ड्यूरिंग द मार्केट दार्केट मार्केट में अलर्ट के लिए चाय कॉफी की क्या जरूरत है मार्केट अपने आप ही अलर्ट रखता है और अगर आपको एक बात बता दूँ मैं तो चलो आराम से ऐसे काम करती हूँ मुझे ज़रूरत नहीं किसी की भी लेकिन अगर मान लो किसी को नींद उड़ानी है तो एक सौदा कर दो और वो सौदा लॉस में हो गया तो दिन तो क्या रात की भी नींद चली जाएगी ओके <laughs> okay. uh, और अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकते अभी तो आप क्या देते हैं मैं अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देना चाहती थी जो मैं मिस कर गई रिंग टाइम में मुझे ब्रोकर्स लोगों ने बहुत कुछ सिखाया आए दिन सिखाते रहते थे लेकिन क्या होता है कि वो यंगस्टर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब कोई सिखाता है ना तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो क्या सिखाता है वो उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि ये खुद क्या है इसने खुद क्या बना लिया जो मुझे सिखा रहा है ये होता कौन है मुझे सिखाने वाला इसके पास है ही क्या जो मुझे सिखाएगा ये खुद कितना बड़ा है जो मुझे सिखाएगा वही फीलिंग हर यंगस्टर में होती है और उस चक्कर में वो किसी को कुछ नहीं समझता अच्छा सेम मिस्टेक मैंने भी कर दी थी रिंग टाइम में कि बहुत बार मैंने भी बड़े ब्रोकर्स को एकदम ऑर्डनरी समझ लिया और उनकी बातों को इग्नोर कर दिया ये सोच के कि ये मुझे क्या सिखाएंगे मैं तो खुद थर्ड जनरेशन हूँ वो जो चीज़ थी या मान लो वो जो इग्नोरेंस था ना अगर वो मैंने मिस आउट नहीं किया होता तो शायद मैं आज थोड़ा सा और हाँ दैट इज वॉट एम मिसिंग तो मैम अगर आप एक ऐसे ट्रेडर या इन्वेस्टर के साथ डिनर पे जा सकते तो वो कौन होता देखो बहुत सारे हिडन जेम्स हैं जो सामने नहीं आते उनमें से एक पकड़ में आ जाता ना या दो तीन चार पकड़ में आ जाता है बस तो चली जाती ओके <laughs> okay. क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है hmm. और वो हिडन जेम्स सामने नहीं आते वो फेमस है ही नहीं वो पब्लिक फिगर है ही नहीं अच्छा। वो किसी के सामने आपके किसी के सामने क्या वो आपके बगल में से निकल जाए या आपके बगल में बैठे भी हो तो आपको पता नहीं चलेगा hmm. ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके आगे नॉन ट्रेडर्स और फेमस ट्रेडर्स कुछ नहीं है तो ऐसा कोई मिल जाए तो मैं उनके साथ जाना पसंद करूंगी। वो अपने काम पे फोकस करके लाइमलाइट में नहीं आई मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ right. कि मतलब उनके पास जो नॉलेज है मैं वो लेना चाहती हूँ एंड एनी फ्यू वर्ड्स दैट यू हैव डाइटिंग करती हो कभी कभी हाँ कभी कभी हाँ क्यों वेट मेंटेन करने के लिए फिर उसमें चीट डे भी होता है ना हाँ उस दिन जम के खाती हो ना हाँ उसके बाद दो दिन तबीयत खराब भी हो सकती है ना हाँ अच्छा चल आपके रियल लाइफ में आप जो डाइटिंग करते हो ना उसमें चीट डे होता है आप खा लेते हो दो दिन तबीयत बिगड़ जाती है इधर तो मैं एक दिन भी चीट डे कर दू ना मार्केट में तो मेरा लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और दो दिन तो क्या बीस दिन तबीयत खराब रहेगी मेरी oh. तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि डाइटिंग हो या कहीं पे भी चीट डे होता है बट मेरे ट्रेडिंग में चीट डे नहीं होना चाहिए डिसिप्लिन इज अ डिसिप्लिन नो चीट डे देर शुड बी नो वे नो एक्सक्यूज टू अवॉइड डिसिप्लिन थैंक यू सो मच मैम आज ये करने के लिए बहुत कुछ सीखने मिला मार्केट्स कैसे चलते थे उस टाइम में और अभी कैसे क्या डिफरेंसेस हैं काफ़ी कुछ जानने मिला ओके मैडम थैंक यू एंड मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा वेकेशन स्पॉट है <laughs> आप पूछते रहो हम बताते रहेंगे आप बोलते रहो हम सिखाते रहेंगे